मैं भारत सिंगल स्वागत करता हूं आप सभी का इस शो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से किस तरह ग्रहों का गोचर हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है तथा किस तरह से हम इसका लाभ उठा सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से अपने कारोबार में, अपने स्वास्थ्य में, अपने रिश्तों में हम और मजबूती ला सकते हैं, उसको और बेहतर तरीके से हम निभा सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए यह समय बेहद अच्छा साबित हो सकता है। ग्रहों की गोचर चाल आपको प्रॉपर्टी में निवेश करा सकती है या अन्य किसी योजना में निवेश करा सकती है, जिसके चलते अत्यधिक निवेश के कारण आप रोजमर्रा के या नियमित रूप से होने वाले खर्चों में धन की कमी का अनुभव करेंगे। आप किसी भी निवेश करते समय आप किसी भी स्कीम को, किसी भी योजना को पूर्ण रूप से पढ़ें तथा एक लाभ की संभावना होने पर ही आप उसमें निवेश करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी ऐसे मुद्दे में ना फंसें जिसमें आने वाले समय में आपको किसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सके। अत्यधिक वाद विवाद से बचें। आपके धन संबंधी यदि बात करें तो आपके नौकरी पेशे में परिवर्तन के कारण आपको कुछ हानि का सामना करना पड़ सकता है या कुछ समय आपको आय के स्रोत बंद होने के भी योग बन सकते हैं। यह परंतु बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। आर्थिक तंगी आपको अनुभव नहीं होगी, इसके चलते ही आपका कुछ समय आपका कठिनाई में बीत सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए यह बहुत ज़्यादा अनुकूल समय नहीं है। आपको समय समय पर पारिवारिक मुद्दों पर अपना समय नष्ट होता हुआ दिखाई देगा तथा आर्थिक मामलों में भी आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम प्रसंगों में आए वाला आपसी व्यवहार के कारण आए तनाव के कारण आपको मनमुटाव का सामना भी करना पड़ सकता है तथा एक दूसरे से अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। बच्चों की तरफ से आपको सुख प्राप्त होगा पर कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आपको चैन की सांस नहीं लेने देगा व आप अपने आप से ही कुछ परेशान होकर स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपका मिश्रित फल वाला रहेगा। आपको कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है जो मौसम से संबंधित हो, परंतु समय रहते आप इनका इलाज करवा लेंगे तो आपको यह बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देकर चलेगा। यदि आप वीरवार का व्रत रखते हैं तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा तथा शनिवार को शनि देव की मूर्ति पर चढ़ाया गया तेल आपको फायदेमंद साबित हो सकता है।